नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं जी अमृतसर शहर में। और जो राजेंद्र सिंह जी हैं जी, ये फिज़िकली और मेंटली हैंडीकैप हैं। ये देख लीजिए आप इनका सेटअप, ये छोटा सा स्टॉल किसी ने इनको लगा के दिया है। और ये इस स्टॉल पे पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, अगरबत्ती और कैंडीज़ वगैरह बेचते हैं, बिस्कुट भी बेचते हैं। और अब अगर आप अमृतसर शहर में आएँ तो ये सेलिब्रेशन मॉल है जी, इसके बिल्कुल सामने ये भाई साहब अपना खोखा लगाते हैं। ये खोखा भी इनको किसी ने बनवा के दिया है। और ये चार्जिंग फ़ैन है, ये भी किसी ने इनको दिया है, जो एक दो घंटे ही चलता है। और ये सरदार आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, और सरदार आदमी कभी भी भीख नहीं मांगते। हाँ जी राजेंद्र सिंह जी, एक पानी की बोतल दीजिए, एक बिस्कुट भी दे दीजिए। ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक भी दे दीजिए हमें। हाँ हाँ, ठंडा भी रखते हो ये सब? हाँ ठीक है ठीक है, नीचे ठंडा होगा है ना। तो एक अगरबत्ती भी दे दो, जो जो आपके पास है सभी दे दीजिए एक एक आइटम। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं जी। और इनकी ये शिकायत है कि इनके पास कस्टमर बहुत कम आते हैं। तो आप अमृतसर वासियों को जो बेनती है कि राजेंद्र सिंह जी का साथ दें और इनके पास आएँ और कुछ ना कुछ ख़रीद के जरूर जाएँ। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। भैया कितने बजे आ जाते हो सुबह जहाँ? अच्छा 10-11 बजे आ जाते हैं। ठीक ठीक, और कितने बजे तक होते हैं? कितने बजे तक होते हैं शाम तक? अच्छा 6 बजे तक होते हैं। ठीक ठीक ठीक, और जी आपकी है? ठीक 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 है, खुद चला के लाते हो? ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत कर रहे हैं जी ये सरदार जी। और अगर आप अमृतसर शहर में आएँ तो ये सेलिब्रेशन मॉल है, इसके बिल्कुल सामने ये भैया जी अपना खोखा लगाते हैं। ये खोखा भी इनको किसी ने बनवा के दिया है। और ये बहुत मेहनत करते हैं। अगर आप अमृतसर में आएँ तो इनके पास एक बार ज़रूर विज़िट करें। ठीक है जी, इस सरदार जी को हौसला बढ़ाना चाहिए और इनसे कुछ ना कुछ खरीद के ज़रूर जाएँ। चाहे आप अगरबत्ती ले लें, बिस्कुट ले लें, पानी की बोतल ले लें, कोल्ड ड्रिंक ले लें, ठीक है, और कुरकुरे वगैरह भी ये बेचते हैं। और इनका साथ ज़रूर दें और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदें। धन्यवाद दोस्तों।